नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्त। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक कुमार लाल तथा एसडीओपी मंडवा के एस द्विवेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गढ़ निरीक्षक विकास कपीस के नेतृत्व में गढ़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24/3/2024 को अवैध नशे के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई है। बता दें कि गढ़ थाना क्षेत्र में इस समय पुलिस अवैध नशे के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे में रीवा जिले का पुलिस प्रशासन फुल पावर में नजर आ रहा है। इस समय ऐसे ऐसे अपराधी पुलिस की पकड़ में आ रहे हैं जिनको इससे पहले सहजता से पकड़ पाना मुश्किल था, क्योंकि ऐसे कारोबार में अब बड़े घरानों के लोग भी शामिल हो गए हैं जो राजनीतिक रूप से भी सक्षम है। गढ़ क्षेत्र में हो रही अपराध के खिलाफ कार्यवाही आवश्यक थी और पुलिस पूरी ईमानदारी से इस समय काम कर रही है। पुलिस द्वारा बताया गया कि दिनांक 23/3/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना गढ़ के अपराध क्रमांक 54/23 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट 5/13 में पूर्व से फरार चल रहा कोरेक्स तस्करी का आरोपी अपूर्व सिंह निवासी ग्राम लालगांव का अपने घर के अंदर अवैध नशीली कफ सिरफ लाकर बिक्री करने हेतु रखा हुआ है तथा बिक्री करने वाला है। यदि तत्काल पकड़ा नहीं गया तो वह अवैध नशीली कफ सिरप की बिक्री कर देगा। सूचना पर पुलिस थाना गढ़ की टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए रेड कार्यवाही कर आरोपी अपूर्व सिंह उर्फ आकाश पिता विजय सिंह निवासी ग्राम लालगांव के घर में स्टाफ सहित कार्यवाही करके सफेद मठमैला रंग के बोरा में कुल 440 सीसी ऑनरेक्स कोरेक्स कफ सिरप कीमती 74800 रुपए की समक्ष गवाहान विधिवत जब्त कर मौके की कार्यवाही की गई तथा आरोपी अपूर्व सिंह उर्फ आकाश के विरुद्ध 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जावेगा। रीवा जिले का गढ़ थाना क्षेत्र नशे की अवैध कारोबार और चोरी लूट जैसी घटनाओं का गढ़ बनता जा रहा था, लेकिन बीते सप्ताह से गढ़ पुलिस द्वारा अभियान चलाकर एक तरफ जहां अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ नशे के अवैध कारोबारी और लुटेरी गैंग चोरों की गैंग के गिरेबान तक पुलिस पहुंच रही है। बता दें कि बीते कुछ वर्षों से गढ़ थाना क्षेत्र में आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही थी और आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे। ऐसे में पदस्थापना उपरांत थाना प्रभारी विकास कपीश द्वारा बीते सप्ताह से ताबड़तोड़ कार्यवाही कर चोरी लूट अवैध नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनांक 10 मार्च 2024 को गांजा अफीम की खेती पर कार्रवाई, 15 मार्च को लाखों की चोरी का खुलासा, 19 मार्च को लुटेरों की गैंग का खुलासा और आज दिनांक 24/3/2025 को अवैध नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध नशे के विरुद्ध की गई कार्रवाई में निरीक्षक विकास कपीस, थाना प्रभारी गढ़ उनी शोभनाथ वर्मा R1108, अभिषेक पांडे R1167, पवन सत्यार्थी R1118, आशुतोष मिश्रा R अनमोल श्रीवास्तव R श्रवण वर्मा R अजय वर्मा R598, रचना परमार सैनिक सुखीनंद की सराहनीय भूमिका। जिस सूचना पर वैधानिक प्रक्रिया के तहत एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए थाना गढ़ पुलिस के थाना प्रभारी के निर्देश में सब इंस्पेक्टर शोभनाथ वर्मा और स्टाफ आरोपी के घर से 440 सीसी अवैध कोरेक्स, जो कि ऑनरेक्स कोरेक्स थी, जिसकी कीमत 74,880 रुपये अवैध रूप से रखे हालत में जब्त किया गया और इसके विरुद्ध एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसे रिमांड पर भेजा जाएगा। इसके पूर्व भी उक्त आरोपी थानागढ़ के अन्य कोरेक्स के मामले में एनडीपीएस के मामले में फरार था। उन आरोपों में भी, उन प्रकरणों में भी इस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।
अभी भी इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उक्त फोरेक्स कहां से जो लाता था, कहां कहां बिक्री करता था, इसके तह तक पहुंच करके विवेचना करेंगे और इस धंधे में, इस व्यवसाय में जो भी संलिप्त होंगे उन सभी के विरुद्ध वैधानिक प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने आरोपी इसमें संलिप्त थे? अभी तो सिर्फ यही जो सरगना है वो जो मिल पाया है। इसके पहले जो और जो प्रकरण है उसमें इसके कुछ साथी जिसमें ये फरार था वो करीब 2-3 की संख्या में गिरफ्तार होकर के उन प्रकरण में न्यायालय में आरोपियों को भेजा जा चुका है। अभी इस आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है जिससे और सच निकलने की संभावना। देखिए, मैं बढ़ाना क्षेत्र में हूँ। अनुभारी अधिकारी मनोरमा डॉक्टर कृपा शंकर द्विवेदी जी हैं और थाना प्रभारी विकास कतीश जी हैं। यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नशीली तस्वीरों पर अवैध थोक व्यापारी को पकड़ा गया है। मार्च माह में अनुभारी अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर टावर तोड़ ये पांचवीं बड़ी कार्रवाई है। 10 मार्च को गाजे के हरे पेड़ अफीम के खेत में, 15 मार्च गढ़ में चोरी की घटना 19 मार्च और लूट की घटना 22 मार्च, आज 24 मार्च को घटना बड़ी नशीली कप सीरप की है। मैं अंबिहारी अधिकारी डॉक्टर कृपा शंकर द्विवेदी जी से चर्चा करता हूँ। सर, इसमें आज ये नशीली कप सीरप पकड़ी गई है गढ़ में, क्या इसकी कैसी क्या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से लगातार नशे के विरुद्ध, नशीले पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई गढ़ थाना और अपने मनवा अनुभाग के अंतर्गत जारी है। उसी तारतम्य में पूर्व में गांजा, अफीम, शराब, गांजा के हरे पौधे आदि कार्रवाई, कल मुखबिर की सूचना पर जो फोरेक्स का इस इलाके का सबसे बड़ा जो तस्कर है अपूर्व सिंह निवासी नौका, उसके कब्जे से गढ़ थाना प्रभारी और उनके स्टाफ सब इंस्पेक्टर शोभनाथ वर्मा और अन्य स्टाफ द्वारा मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दबिश देकर लालगांव से आरोपी अपूर्व सिंह को पकड़ा गया। उससे पूछताछ किया गया।